जैन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत दर्शन यात्रा सीरीज के एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल देख सकते हो मैं हूँ लखनऊ के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। आप सभी को लेके जाऊँगा गंगा नगरी, काशी विश्वनाथ धाम की नगरी यानी बनारस में। और आप सभी को जो बनारस जिस ट्रेन से लेके जाने वाला हूँ वह है 14:20:08 यानी बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो रोजाना हफ्ते के सातों दिन इस लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है। वैसे अगर बात करना इस ट्रेन के बारे में, भाई पूरे के पूरे मात्र केवल गिन के 5 घंटे लगाती है लखनऊ से बनारस जाने के लिए। तो चलिए इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए चलते हैं इस लखनऊ के खूबसूरत और बड़े से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। और दोस्तों ये रही अपनी बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस, वैसे ये 9 नंबर पर लगाई गई है। और 9 नंबर जो है ना भाई साहब, प्लेटफॉर्म वो एक के एकदम सटा हुआ, मतलब एक है उसी के पीछे में 9 है, तो आप कन्फ्यूज ना हो ना, ट्रेन जल्दी से पकड़ लेना। वैसे अगर बात करते हैं ये सुबह ये 7 बजे डायरेक्ट खुल जाएगी और राइट 5 घंटे के अंदर ही, मतलब 12:00 पे छोड़ देगी आप सभी को बनारस। चलिए चलते इस ट्रेन में। उस ट्रेन में भाई इंटरसिटी जैसी ट्रेन में भी इतना भीड़ है, मैंने सोचा नहीं था। बाकी घुसते हैं, देखते हैं कहीं खड़ा होने का जगह मिले तो ज़्यादा मजा है अपने आप को। और देख सकते हो ये रहा अपना ट्रेन और अपने ट्रेन का कंडीशन कुछ ठीक ठाक ही है। वैसे अगर बात करें तो अपनी ट्रेन भी निकल चुकी है भाई साहब लखनऊ से, और इस ट्रेन जर्नी में मज़ा आने वाला है क्योंकि वो रूट हम कवर करेंगे जिस रूट पर बहुत कम आना जाना रहता है। और एक्चुअल जो उत्तर प्रदेश है वो सारी छोटी छोटी जितने भी स्टेशन है वो कवर होगी आज। बाकी आप सभी को जर्नी अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हम तो चले चाय समोसों का नाश्ता करने। ये रहा भाई सुबह सुबह का नाश्ता, समोसा सही हो रहा है और चाय तो पता ही है मैं पीता नहीं। बाकी 10 रुपये का एक गरम गरम है, ठीक ठाक है सुबह सुबह का नाश्ता के लिए। भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब। तीसरा हॉल्ट, 2 हॉल्ट आया, इतना छोटा छोटा मतलब एक एक मिनट का हॉल्ट आ रहा है कि ट्रेन आ रही है और चल जा रही, इसलिए नहीं रुक पा रहा हूँ। ऐसे पहुंच चुके हैं राय बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पूरे के पूरे 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 58 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ आते ही भाई भीड़ काफ़ी अच्छा खासा आया है और चढ़ा भी है। बाकी वैसे बात करें तो यहाँ पर खाने पीने के लिए अभी फ़िलहाल में सुबह सुबह का टाइम है तो समोसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा आधे घंटे ट्रेन अपनी ये है जो लेट हो चुकी है। मेरे ख्याल से आगे जाके ये कवर कर लेगी, लेकिन छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर भी अभी चलने ही वाली है। बाकी देखो जंक्शन इसलिए ना, एक लाइन तो लखनऊ वाली आ रही है, प्रयागराज जाएगी, उससे उन्नाव भी जा सकते हैं और एक दरियागंज वाली लाइन निकलती है, और साथ साथ में ही इधर में अयोध्या के लिए लाइन का कंस्ट्रक्शन चालू है, वो भी कुछ दिन में चालू हो जाएगी। बाकी चलते हैं अपनी ट्रेन में। भाई धूप काफ़ी ज़्यादा चालू हो गया है और भाई साहब निकल चुके अपनी ट्रेन इसे रायबरेली से। वैसे अगर बात करें इस ट्रेन की फेयर की थी तो इस ट्रेन की फेयर काफ़ी मामूली सा है। वैसे अगर इस ट्रेन में जनरल क्लास में जर्नी करना चाहते हो इस भीषण गर्मी में भी, तो आपको ज़्यादा नहीं मात्र केवल 110 रुपये देने पड़ेंगे। और इस भीषण गर्मी में एक AC का भी कोच लगाया गया है सुविधा के लिए, तो अगर AC में जाना चाहते हो तो वही 455 रुपये दे के आप AC का भी मजा ले सकते हो, जो कि हमने तो भाई केवल 110 रुपये दे के इसे गर्मी और सुनहरे हवा को चूज किया है। बाकी देखते हैं इस ट्रेन में, हर छोटे छोटे स्टेशन होने के कारण हर एक स्टेशन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे नए नए लोग मिलते रहेंगे आपको। अमेठी तो उतरने वाला है भाई, ओ मतलब सभी हैं उतरने वाले। ये दोस्तों ट्रेन अपनी देख सकते हो पहुंच चुकी है भाई साहब अमेठी, और अमेठी में काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे हैं, ना कि चढ़े हैं। उतरने वाले की संख्या देखो कितनी ज़्यादा है, उधर से पूरे के पूरे लोग उतर उतर के जा रहे हैं। वैसे अगर बात करें तो हम लोग एक बोर्ड के पास रुके हैं अमेठी में, जहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी ट्रेनें आती है और जाती है। वैसे तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर पूरे के पूरे 48 ट्रेनों का हॉल्ट है, और अच्छा खासा अपनी भी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और इस ट्रेन में अगर बात करना तो अधिक से अधिक अमेठी और प्रतापगढ़ वाले ही ट्रेन में चढ़े हैं, और प्रतापगढ़ में तो मेरे ख्याल से आधा से ज़्यादा ये ट्रेन खाली हो जानी है। जो अमेठी है ना भाई साहब, जानते हैं किस लिए जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का एक अलग ही पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इशू से घिरा हुआ एक शहर है, जो कि हर एक मतलब ऐसा कोई सा पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी जहाँ पर अमेठी ना आए। बाकी छोटा सा 2 मिनट हॉल्ट होने के कारण ट्रेन भी अपनी खुल चुकी है, निकल चुकी है भाई साहब अमेठी से। और यहाँ देख लो थोड़ा बहुत तो खाली हुआ है, लेकिन सुनने में ये बड़े भाई लोग कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में ये पूरी की पूरी आधी ट्रेन खाली हो जाएगी, और रोज़ के आने जाने वाले हैं तो इनको तो भाई पूरा पता है।
बाकी देखते हैं खाली होती है और अपने को सीट मिल जाता है बैठने को कि नहीं मिलता है अगले स्टेशन से। प्रतापगढ़ जंक्शन भीड़ है भाई, ये सब भाई ऊपर रहे जाने बड़े भैया ऊपर रहे उतर हैं बैठ लिया। ये दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अगर बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पे उतरने वाले तो लोग थे ही, लेकिन मुझे लगा था कि सच में खाली हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे चढ़ने वाले लोग भाई उससे ज़्यादा आ गए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये जो प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है उनका रेलवे स्टेशन है जहाँ पे पूरे के पूरे 56 ट्रेनें आकर रुकती हैं और कई सारे वीकली और ये मिला के रोज़ तो नहीं होती होंगी, इसीलिए इधर इंटरसिटी जैसी ट्रेनें जो भी आती हैं उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे अगर बात करें इस प्रतापगढ़ जंक्शन की ना या प्रतापगढ़ शहर की, तो भाई साहब दुनिया का मात्र एक सबसे पहला शहर है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जहाँ पे भाई साहब अपने फार्मर्स अपने किसान भाइयों के लिए एक अलग ही कंट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे किसान मंदिर बनाया गया है जो कि भाई साहब मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश या किसी भी अभी राज्य या किसी भी शहर में होगा, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बाकी ये लोग भी है ही चढ़ने वाले, काफ़ी सारे लोग मतलब यहाँ पर चढ़ने वाले हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है, इसमें कितने कितने लोग चढ़ जाएंगे। और सामान देखो भाई साहब कितना बड़ा बड़ा है, चलो चलो चढ़ गए चढ़ गए। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब जंघाई जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए उत्तर रेलवे का जंघाई जंक्शन, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और ये रेलवे स्टेशन का हालत देख सकते हैं कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में रिनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब नया रेलवे स्टेशन बनना और नया रेलवे स्टेशन काफ़ी भव्य और विशाल बनेगा मेरे ख्याल से। तो देखो बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है और भाई साहब करीबन यहाँ पे 1 घंटे से ट्रेन खड़ी थी और जैसे ही मैं उतरने की कोशिश किया बाकी सारे लोग तो उतर चुके हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा ही लोग उतर चुके हैं, क्योंकि भाई 1 घंटे खड़ा होने के कारण सबका दिमाग गर्म के मारे पागल हो गया था। बाकी सामने में स्टेशन दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, केवल 500 मीटर भी नहीं है और इनको अब पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि उतरे और चल गई ट्रेन। वाराणसी जंक्शन, और दोस्तों देख सकते हो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बात करें इस ट्रेन की तो ट्रेन ने तो आज थोड़ा हालत ख़राब कर दिया है, क्योंकि पूरे के पूरे ये ट्रेन 1.5 घंटे के आसपास लेट आई है। लेट नहीं आती क्योंकि शुरू में ही लेट खुली तो इधर आउटर पर लगा दी थी करीबन 45 मिनट से। वैसे अगर बात करें ट्रेन जर्नी की तो ट्रेन में मज़ा आया, लेकिन अपनी जर्नी यहीं पर नहीं खत्म होगी। दोस्तों देख सकते हो पहुंच चुका हूं मैं गंगा घाट पर और मैं अब जा रहा हूं स्नान करने और उनका दर्शन करके आ रहा हूं और फिर आप सभी को दिखाऊंगा गंगा आरती, क्योंकि भाई साहब मोबाइल लेना अंदर अलाउ नहीं है तो आप सभी को मैं गंगा आरती तो दिखा ही सकता हूँ। चुका है गंगा आरती खत्म और आज का ब्लॉग भी देख सकते हो, अभी फिलहाल मैं हूँ गंगा घाट पे ही और खूबसूरत नज़ारे तो आप सभी ने देखा ही, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे केवल मोबाइल में देखने से नहीं होगा, आप यहाँ पे आइए विजिट कीजिए और जो आस्था का साथ में रोमांच का मजा है ना भाई, वो इस मोबाइल के जरिए एक स्क्रीन पे आपको मैं बयान नहीं कर सकता। बस मैं इतना कहूँगा कि काशी विश्वनाथ के धाम में या जहाँ भी है ऐसी खूबसूरत जगह वहाँ पर जाइए घूमिए ट्रैवल कीजिए और अपने देश को जानिए। बाकी बाबा धाम की नगरी से इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव और ट्रेन जर्नी के साथ साथ में आए जो मैं ये ब्लॉग दिखा रहा हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा।
बाकी वीडियो अच्छा लगता है लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट ट्रेन में, किसी नेक्स्ट शहर में, किसी नेक्स्ट ऐसी खूबसूरत जगह पे। जब तक के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आपका आरती जब ख़त्म होता है तो अगर ट्रेन पकड़ना हो ना भाई, तो शायद रात की ट्रेन ना पकड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक में अगर फंस जाएंगे तो अगर आपका 9-10 बजे का ट्रेन हो तो 100% छूट जाना है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों हज़ारों संख्या में लोग अपने होटल्स और रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो कभी ट्रेन छूटने का भी संभावना है। इसलिए सुबह सुबह का ट्रेन पकड़िएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद, हर हर महादेव, और हाँ हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।